नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आज सब आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के ऊपर मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ वहाँ पर जाकर आप जरूर देखें और ये उसका सप्लीमेंट्री समझ सकते हैं इसका, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। तो पहले तो उनका बायोग्राफी देख लेते हैं, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। अरस्तु का जन्म मकदुनिया के इस्तगिरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु बहुत ही महान यूनानी दार्शनिक हैं और मकदुनिया के इस्तगिरा नामक जगह में इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है और इससे संबंधित प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, तो सिकंदर महान के गुरु थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, प्लेटो इनको उनके गुरु थे और वे सिकंदर महान के प्लेटो उनके गुरु थे और वे सिकंदर महान के गुरु थे। मतलब अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे लेकिन सिकंदर महान के वे गुरु थे। इनका निधन हुआ था 322 ईसा पूर्व में। तो थोड़ा सा इनको आपको इनके जीवन के बारे में भी जानना जरूरी है। और इनका जो मूल यूनानी नाम है वह था अरिस्तोतिलेस और अरस्तु के पिता मकदुनिया दरबार में चिकित्सक थे। मकदुनिया का जो राज दरबार था वहां पे वे चिकित्सक थे और इसी कारण जो इनका विरेचन सिद्धांत है उसमें विरेचन के संबंध में इनकी जो जानकारी है वे अपने पिता से उन्हें प्राप्त हुई थी, क्योंकि वे वैद्यक थे या फिर आप कह सकते हैं चिकित्सक थे। अब इन बहुत सारी बातों का इनको ज्ञान था, बहुत सारे विषयों के संबंध में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषण शास्त्र, इसके अतिरिक्त भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों पर इनकी 400 पुस्तकें हैं। तो कितने विद्वान व्यक्ति हैं आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विभिन्न प्रकार के विषयों का इनको ज्ञान था। केवल ज्ञान ही नहीं था बल्कि प्रकांड विद्वान थे। अरस्तु की सारी कृतियां यूनानी अथवा ग्रीक भाषा में हैं, यूनान अथवा ग्रीक। अब पाश्चात्य विधाओं के आदि आचार्य, मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संबंध में इन्हें अत्यंत प्राचीन विचारक माना जाता है। आचार्य अरस्तु के काव्य शास्त्र पर दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, दो किताबें इनकी अत्यंत प्रसिद्ध हुई हैं। पहला है भाषण शास्त्र जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिटोरिक, और दूसरा है काव्य शास्त्र जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पोएटिक्स। और भाषण शास्त्र का यूनानी नाम है तेखनेस रिटोरिकेस, तो यूनानी नाम इसका यह है। अब अरस्तु का जो काव्य शास्त्र है इसका यूनानी नाम है पोरी पोएटिकस, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूनानी नाम क्या है, पेरी पोएटिकस। इसका अंग्रेजी रूपांतरण ऑन पोएटिक्स के नाम से किया था 1780 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से टी विंस्टैनली द्वारा किया गया था। ऑक्सफोर्ड के टी विंस्टैनली नामक विद्वान ने 1780 ईस्वी में जो अरस्तु का जो काव्य शास्त्र है जिसका यूनानी भाषा में नाम है पेरी पोएटिकस, इसका इन्होंने अंग्रेजी रूपांतरण किया था और उसका नाम दिया था ऑन पोएटिक्स। वर्तमान में हम सब इसी को पढ़ते हैं। अब इसका संक्षिप्त एवं प्रचलित नाम पोएटिक्स है, इसको पोएटिक्स के नाम से आज हम जानते हैं। और इसकी रचना 333 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, इस ग्रंथ की रचना हुई थी 333 ईसा पूर्व के आसपास। अब यह पोएटिक्स या फिर पेरी पोएटिकस है, इसमें 26 अध्याय एवं 50 पृष्ठ हैं। और इसमें अरस्तु के काव्य के उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, इन सारी बातों पर इन्होंने इस पर चर्चा की है इस किताब में, कि काव्य की उत्पत्ति कैसे होती है, काव्य की प्रकृति क्या होती है, काव्य का सत्य क्या है, काव्य के भेद क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या होता है और काव्य क्या, इन सभी बातों का इन्होंने इस ग्रंथ में विवेचन किया है। इसकी रचना के लगभग 1000 वर्षों के बाद पेरी पोएटिकस रचना प्रकाश 1000 वर्षों के बाद पेरी पोएटिकस रचना प्रकाश में आई थी। और 1498 ईस्वी में वाल्ला नामक के एक वितालवी विद्वान थे, इन्होंने इसका लैटिन में अनुवाद किया था। पहले इसका अनुवाद लैटिन में हुआ था तथा इसकी प्रथम अंग्रेजी व्याख्या टी विंस्टैनली ने 1780 ईस्वी में की। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद बूचर 1894 ईस्वी तथा इनग्रेम बाइटर बाई वाटर 1898 ईस्वी द्वारा
पेरिपोएटिकस का अनुदित रूप सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, यह 50 पृष्ठों की पुस्तक है। तो बाद में तो अन्य विद्वानों ने इसका अनुवाद किया और इसे यह प्रामाणिक अनुवाद माना जाता है और यह 50 पृष्ठों की किताब है। अब इनकी एक अन्य रचना भी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी एक अन्य रचना का नाम है वसीयतनामा, जिसे दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा गया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद अरस्तु ने एसस तथा लाइसियम, मतलब लिसियस एथेंस के समीप अपोलो नामक दो स्थानों में नई अकादमी की स्थापना की। नई अकादमी मतलब छात्रों को पढ़ाने के लिए इन्होंने दो अकादमी स्थापित की थी, एसस और लाइसियम नामक स्थान में। अब यहां से इनका महत्वपूर्ण सब काम चालू होता है। अरस्तु वह प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने कला मतलब आर्ट और ललित कला फाइन आर्ट में अंतर किया कि कला क्या है और ललित कला क्या है, इसमें इन्होंने अंतर किया। अंतर किया करने वाले पहले काव्य शास्त्री थे कि कला अलग चीज है और ललित कला अलग अलग चीज है। फाइन आर्ट मतलब पेंटिंग ड्राइंग इत्यादि, इसको बोलते हैं फाइन आर्ट, पेंटिंग ड्राइंग सिंगिंग। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पितामह अरस्तु पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अपने निम्न सिद्धांतों के कारण जाने जाते हैं। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था और इनके तीन सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला है अनुकरण सिद्धांत जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद है विरेचन सिद्धांत जिसका हम लोग अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे, और तीसरा है त्रासदी एवं कामदी का सिद्धांत। त्रासदी मतलब होता है ट्रेजेडी एवं कामदी मतलब होता है कॉमेडी। ट्रेजेडी मतलब जिसका ट्रेजिक एंडिंग होता है, दुखांत होता है, जो दुख से समाप्त होता है, और कॉमेडी मतलब सुखांतक नाटक, जो सुख से समाप्त होता है, इसे हम कहते हैं कॉमेडी या कामदी। तो अरस्तु के तीन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत तथा अरस्तु का त्रासदी और कामदी का सिद्धांत। अरस्तु ने प्लेटो की भांति काव्य कला को नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से न देखकर सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और यह प्रसिद्ध मान्यता स्थापित की कि कला प्रकृति की अनुकृति है। अनुकृति मतलब अनुकरण। तो प्लेटो को देखने का तरीका क्या था? प्लेटो साहित्य को उपयोगितावादी दृष्टि से नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते थे कि वह समाज के लिए नैतिक होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए कला की, लेकिन काव्य कला को। लेकिन अरस्तु ने क्या है, अरस्तु ने उसे सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा कि काव्य में सौंदर्य निहित होना चाहिए, और उन्होंने यह प्रसिद्ध मान्यता दी या प्रसिद्ध स्टेटमेंट दिया या प्रसिद्ध अवधारणा दी उन्होंने कि कला प्रकृति की अनुकृति है। अनुकृति मतलब आर्ट इमिटेट्स नेचर, प्रकृति का अनुकरण करती है, कला भी कला प्रकृति का अनुकरण करती है। अब यहां पर प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय जगत के बाह्य स्थूल गोचर रूप तथा आंतरिक रूप काम क्रोध इत्यादि से था, मतलब इन्होंने प्रकृति के आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों को इसमें शामिल किया, और केवल प्रकृति ही नहीं, जो हमारा दृष्टिगोचर जगत है, जो प्रकृति है उसे ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के अंदर और बाहरी जो उनकी प्रकृति होती है, बाहरी और भीतरी प्रकृति जिसमें काम क्रोध मोह इत्यादि होते हैं, इन सबको भी उन्होंने शामिल किया। अनुकरण शब्द यूनानी शब्द मीमेसिस अथवा माइमिसिस का पर्याय है। अनुकरण शब्द कहां से आया है? यूनानी शब्द से आया हुआ है। यूनानी शब्द इसके लिए मीमेसिस अथवा माइमिसिस इसका पर्याय है। हिंदी में यह अंग्रेजी शब्द इमिटेशन का रूपांतरण है। तो हिंदी में यह शब्द कहां से आया? अनुकरण इमिटेशन जो अंग्रेजी का जो शब्द है उससे हिंदी में अनुकरण शब्द बना है। अब पोएटिक्स के 25वें अध्याय में अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ प्लेटो की भांति हुबहू नकल या कॉपी या प्रतिकृति न मानकर उसका अर्थ पुनः सृजन अथवा पुनर्निर्माण माना है। तो वो क्या बोलते थे? प्लेटो की जो काव्य कला है वह क्या है? प्रकृति का हुबहू नकल है ना, कंप्लीटली नकल। अनुकरण का अर्थ मतलब टोटल कॉपी करना, पूरी तरह से उसका अनुकरण करना, नकल करना। और लेकिन अरस्तु का कहना क्या है कि यह पूरी तरह से नकल नहीं है, बल्कि पहले से जो चीज विद्यमान है यह उसका पुनः सृजन है अथवा उसका पुनर्निर्माण है। मतलब जो चीज हमारे पास पहले से विद्यमान है, जो प्रकृति पहले से विद्यमान है, उसका पुनः सृजन ही कला है या फिर काव्य कला है और पुनर्निर्माण है। इस प्रकार उन्होंने प्लेटो की भांति कला को उन्होंने प्रतिकृति न मानकर क्या माना है? पुनः सृजन और पुनर्निर्माण। पुनः सृजन मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन और पुनर्निर्माण मतलब होता है रिप्रोडक्शन, रिक्रिएशन। पुनः सृजन मतलब रिक्रिएशन। अरस्तु के अनुसार पुनः प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। मतलब कोई चीज जो पहले से विद्यमान है उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करना, दोबारा से उसको प्रेजेंट करना ही अनुकरण है।
अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है, एक सृजनात्मक क्रिया है। प्लेटो ने इसको सृजनात्मक क्रिया नहीं माना था, केवल नकल माना था, अनुकरण माना था। लेकिन अरस्तु का कहना क्या है, अनुकरण करना क्या है, एक सृजनात्मक क्रिया है, एक क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिव प्रोसेस है। अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति के अनेक दोषों का निराकरण करके कला द्वारा उसकी अपूर्णता की पूर्ति की जाती है। तो अरस्तु का मानना यह है कि प्रकृति में यदि कुछ कमी रह गई है, प्रकृति में यदि कुछ दोष है, तो कला के माध्यम से उस दोष को दूर किया जाता है, उस कमी का निराकरण किया जाता है, उस दोष को दूर किया जाता है और प्रकृति में जो अपूर्णता है उसकी पूर्ति की जाती है, उसे कंप्लीट किया जाता है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, आर्ट फिनिशेज द जॉब व्हेन नेचर फेल्स और इमिटेट्स द मिसिंग पार्ट्स। मतलब प्रकृति में यदि कोई चीज मिसिंग है, किसी चीज की कमी है, कोई दोष है, तो कला के माध्यम से उस दोष को दूर किया जाता है और उस अपूर्णता की पूर्ति की जाती है। अब अरस्तु ने कला को सृजन प्रक्रिया मानते हुए सृजन प्रक्रिया के तीन स्तरों की चर्चा की है। मतलब उन्होंने क्या कहा, कला को कहा है सृजन की प्रक्रिया है, और सृजन प्रक्रिया के तीन स्टेज होते हैं उनके हिसाब से। पहला है, जो वस्तुएं जैसी है उसे वैसा ही दिखाया जाए। मतलब जो वस्तु हमको जैसी दिखाई दे रही है, यथार्थवाद, उसको हम ऐसा ही दिखा दें, इसे हम कहते हैं यथार्थवाद। उसका दूसरा है, जैसी वे लगती हैं या कही जाती हैं उन्हें वैसा दिखाया जाए। मतलब जैसा हमको महसूस होता है, कि जैसा हम जैसे किसी चीज को देखते हैं तो हमको जैसा फील होता है, जैसा महसूस होता है, या जैसा उसके बारे में कहा गया है उन्हें वैसा दिखाया जाए। और तीसरा है, जैसी वे होनी चाहिए उन्हें वैसा दिखाया जाए। तो ये आदर्श रूप है, मतलब कोई चीज कैसी होनी चाहिए इसे कहा जाता है आदर्शवाद। तो इन्हें ऐसा दिखा सकते हैं, ये तीन स्टेज होते हैं कला के। इस प्रकार अरस्तु की दृष्टि में कलाकार मात्र अनुकरण करता ही नहीं बल्कि सर्जक भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु के दृष्टिकोण से कलाकार केवल नकल करने वाला व्यक्ति नहीं है, केवल अनुकरण करता नहीं है, बल्कि वह सर्जक भी है, किसी चीज का सृजन करने वाला है। अरस्तु की दृष्टि में कलाकृति के रूप में वह अनुकृति महत्वपूर्ण है जो वस्तुएं या घटनाएं जैसी हों उसे वैसा ही चित्रित कर दे। तो यहां पर इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि कलाकृति में अनुकरण तभी महत्वपूर्ण होता है, वह अनुकरण महत्वपूर्ण होता है जो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही चित्रित कर दे। अरस्तु के अनुसार अनुकृत वस्तु में आत्म तत्व का प्रकाशन होता है, आनंद की उपलब्धि आत्म प्रकाशन के बिना संभव नहीं है। अनुकृत वस्तु मतलब जिस चीज का नकल करके कोई कलाकार या कवि उसकी रचना करता है, पुनर्सृजन करता है, तब उसमें आत्म तत्व का प्रकाशन होता है, अपनी निजी अनुभूतियों को उसके माध्यम से वह व्यक्ति प्रदान करता है। और आनंद की जो उपलब्धि होती है किसी कलाकार को या किसी कवि को, तो जब आनंद की उपलब्धि कब होती है, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, आत्म प्रकाशन कर पाता है, अपनी अनुभूतियों को, अपनी भावनाओं को जब वह अभिव्यक्ति प्रदान कर पाता है, तब उसे आनंद की उपलब्धि होती है। तो काव्य में वस्तु के तीन रूपों का अनुकरण अरस्तु बताते हैं। मतलब काव्य में किसी वस्तु के तीन प्रकार के तीन रूपों का अनुकरण करता है कोई कलाकार या कवि, विशेष रूप से कवि। प्रतिमान रूप, जैसा अनुकर्ता को प्रतीक हो। प्रतिमान रूप मतलब वह होता है जैसे कोई कवि किसी चीज को देखता है और जैसा वह महसूस करता है, इसे कहते हैं प्रतिमान रूप, जैसा उसे फील होता है जैसा वह महसूस करता है। दूसरा संभाव्य रूप, जैसा वह हो सकता है। मतलब जैसे किसी चीज को कवि ने देखा तो उसे लगता है कि नहीं, यह ठीक नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, मतलब ये ऐसा हो सकता है, तो उसकी संभावना होती है उसको कि कवि किसी चीज को देखता है और वह सोचता है कि उसमें संभावना व्यक्त करता है कि यह ऐसा हो सकता है। और तीसरा है आदर्श रूप, आदर्श रूप मतलब उसको कैसा होना चाहिए। तो तीन प्रकार की बातें हैं, प्रतिमान रूप मतलब जैसा उसको फील होता है, जैसा उसका महसूस होता है। दूसरा संभाव्य रूप, मतलब बस अनुमान लगाता है कि यह ऐसा हो सकता है। और तीसरा आदर्श रूप, जैसा उसको होना चाहिए। तो यह तीन रूपों का अनुकरण करता है काव्य में वस्तु का। इस प्रकार अरस्तु की दृष्टि में कलाकार मात्र अनुकरण करता नहीं है बल्कि सर्जक भी है। तो यह केवल कवि जो है या फिर कलाकार जो है वह केवल नकल करने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि वह सर्जक है, क्रिएटर है। अतः अनुकरण भावात्मक एवं कलात्मक पुनः सृजन का पर्याय है, यथार्थ प्रत्यंकन नहीं है। तो इस प्रकार अनुकरण क्या है, भावात्मक एवं कलात्मक रूप से रिक्रिएशन या पुनः सृजन का पर्याय है। मतलब अनुकरण क्या है, भावात्मक एवं कलात्मक पुनः सृजन है, नवनिर्माण है। यह यथार्थ प्रत्यंकन नहीं, यह केवल कोरा नकल बस नहीं है बल्कि यह पुनः सृजन है, रिक्रिएशन है किसी चीज का। अरस्तु की दृष्टि में काव्य भाषा के माध्यम से कलात्मक अनुकृति होती है।
लेकिन एक कवि कैसे रिक्रिएट करता है, कैसे अनुकरण करता है कवि, काव्य भाषा के माध्यम से। काव्य भाषा के माध्यम से कोई कवि पुनर्सृजन करता है। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता बताया था, अरस्तु ने कवि को कर्ता सिद्ध कर दिया है। तो प्लेटो का कहना यह था कवि सिर्फ नकल करने वाला व्यक्ति है, अनुकरण करने वाला व्यक्ति है, सिर्फ अनुकर्ता है। जबकि अरस्तु क्या बोलता है, अरस्तु का कहना है कि वह क्रिएटर है। अरस्तु के अनुसार कवि जो है क्रिएटर है, सर्जक है, कर्ता है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण के विषय हैं। अनुकरण में तीन प्रकार के सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। मतलब कवि किसका अनुकरण करता है, प्रकृति का अनुकरण करता है। जो दृष्टिगोचर जगत है, दृश्यमान जगत है, जो प्रकृति है उसका अनुकरण करता है, या अनुकरण का विषय हो सकता है कवि के पास। दूसरा इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं या इतिहास उसके काव्य की विषय वस्तु बन सकती है, उसका वह अनुकरण कर सकता है। और तीसरा है कार्यरत मनुष्य। कार्यरत मनुष्य समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनके दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, जो वर्किंग पर्सन है, वे उसकी कविता के विषय हो सकते हैं। अरस्तु ने काव्य में अनुकृति की विधि की अनुकरण, अनुकृति और अनुकरण सब एक ही शब्द है, अनुकरण का विधि क्या होगा, इसके अंतर्गत तीन शैलियों का उल्लेख किया है। आपको अनुकृति से आपको घबराना नहीं है, अनुकृति भी क्या है, अनुकरण भी है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द है इमिटेशन और यूनानी शब्द है मीमेसिस या माइमेसिस। तो इसके अंतर्गत अनुकरण की विधि के अंतर्गत तीन शैलियों का उल्लेख किया है, प्रबंधात्मक शैली, आत्माभिव्यंजक शैली और नाट्य शैली। प्रबंधात्मक मतलब जो महाकाव्य की जो शैली होती है, आत्माभिव्यंजक मतलब जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी निजी अनुभूतियों निजी भावनाओं को जो अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं उसे कहते हैं आत्माभिव्यंजक। और तीसरा होता है नाट्य शैली, नाटक के रूप में। अब अनुकरण सिद्धांत की कमियां क्या है, वस्तु तत्व की प्रधानता, इसमें वस्तु तत्व है जो कंटेंट है उसको ही सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया गया है जिसका वह अनुकरण करता है। इसके बाद है गीति काव्य, इसकी परिधि से बाहर है क्योंकि ये प्रबंध काव्य को अधिक महत्व देता है या फिर ट्रेजेडी और कॉमेडी को। तो गीति काव्य, गीति काव्य में रस लय छंद ये सब होते हैं जिसको हम गा सकते हैं, यह इसी परिधि से बाहर की वस्तु है। और तीसरा क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत का यह विरोधी सिद्धांत है। क्रोचे का जो सिद्धांत है सहजानुभूति का सिद्धांत, यह उसका विरोधी सिद्धांत है, यह उसका उल्टा उल्टा सिद्धांत है, विरोधी सिद्धांत है। अब जो इसके अनुकरण सिद्धांत के विषय में क्या क्या विविध मत है यह देखते हैं। एटकिंस नाम के जो विद्वान है इनका कहना है कि पुनः सृजन का ही दूसरा नाम अनुकरण है। तो अरस्तु ने भी कहा है कि पुनः सृजन मतलब रिक्रिएशन, किसी चीज को दोबारा क्रिएट करना, इसका नाम ही अनुकरण है। जैसे कि पुरानी कई फिल्में बनती हैं, बाद में उसका फिर नया नई नई फिल्में बन जाती, जैसे देवदास है, देवदास फिल्म एक बार बन चुकी है, बाद में जब दोबारा देवदास बनाते हैं तो यह क्या है, पुनः सृजन हो जाता है उसका। और स्कॉट जेम्स का कहना क्या है, स्कॉट जेम्स नाम के विद्वान है इनका कहना है यह जीवन के कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय है। मतलब जो हमारा जीवन है, जो जैसा है, उसमें कल्पना के रंग भरकर उसका रिक्रिएट किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है, रिक्रिएशन किया जाता है, तो यही अनुकरण है। मतलब हमारा जो जीवन है उसमें कल्पना का मेल करके जीवन की कल्पनात्मक पुनर्निर्माण दोबारा रिक्रिएट किया जाता है कल्पना के माध्यम से जीवन को, यह उसका पर्याय है। बूचर के अनुसार अनुकरण शब्द का अर्थ है सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन। मतलब मूल वस्तु जो है, जो सादृश्य वस्तु है जिसको देखकर कवि कोई कलाकार रचना करता है, तो यह क्या है, उसका पुनरुत्पादन है, रिप्रोडक्शन है, यह कहते हैं रिप्रोडक्शन है। इसके बाद पॉटस का क्या कहना है, अनुकरण का अर्थ जीवन का पुनर्सृजन है। जो हमारा लाइफ है उसको कोई कलाकार या फिर कोई कवि रिक्रिएट करता है, पुनर्सृजित करता है, तो यह पुनर्सृजन है, रिक्रिएशन है। एवरक्रॉम्बी का कहना है पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। मतलब दोबारा किसी चीज को प्रेजेंट करना, ऑलरेडी जो चीज प्रेजेंट की जा चुकी है, ऑलरेडी जो चीज प्रस्तुत की जा चुकी है उसको दोबारा प्रस्तुत करना ही अनुकरण है। डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक सिद्धांत है। मतलब यह कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ कमी है, क्योंकि अरस्तु ने काव्य की आत्मा के स्थान पर प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है। तो जैसे भारतीय काव्य सिद्धांत में काव्य की आत्मा पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है कि काव्य की आत्मा रस है, छंद है, अलंकार है, लेकिन यहां पर इन्होंने प्रकृति के अनुकरण पर बल दिया है, यहां पर डॉक्टर नगेंद्र का यह मानना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने पुनः यह कहा है कि अनुकरण का अर्थ यथार्थ प्रत्यांकन नहीं है, वह पुनर्सृजन का पर्याय भी है और उसमें भाव तथा कल्पना का यथेष्ट अंतर्भाव भी है। मतलब अनुकरण सिर्फ किसी चीज का कॉपी करना नहीं है, किसी चीज का सिर्फ नकल करना, यथार्थ प्रत्यांकन, कोई चीज जैसी है उसको वैसे ही नकल करना, हूबहू नकल करना अनुकरण नहीं है, बल्कि अनुकरण क्या है, पुनर्सृजन का पर्याय है या पुनर्सृजन है। पर्याय मतलब एक दूसरे का समानार्थी शब्द। तो पुनर्सृजन है मतलब अनुकरण क्या है, रिक्रिएशन है, और उसमें भाव तथा कल्पना का यथेष्ट अंतर भाव भी है, और उसमें
भाव और कल्पना समुचित रूप से मिले हुए हैं। जितनी भाव डालना चाहिए, जितना भाव उसमें डालना चाहिए किसी कविता में या रचना में, और जितनी कल्पना का समावेश किया जाना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर ही हम कहेंगे कि इसका अनुकरण किया गया है। अब इससे पहले भी भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण पर चर्चा हुई है कई बार। जैसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें उन्होंने सर्वप्रथम अनुकरण शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, लेकिन संस्कृत में उन्होंने क्या कहा है, त्रैलोक्य स्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तम, अर्थात तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन ही नाटक में है। तीनों लोक होते हैं, तीन लोक के जो भी भावनाएं हैं, तीनों लोकों के जो भावनाएं होती हैं उसका अनुकीर्तन तो नाटक में है। नाटक मतलब वहां पर नाटक को ही काव्य कहा जाता था पहले, काव्य और नाटक को एक ही शब्द थे उस समय आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। तो अनुकीर्तन मतलब यहां पर अनुकरण, तीनों लोकों में जो भी भावना विद्यमान है उनका अनुकीर्तन किस में है, नाटक में है। इसके बाद आचार्य भरत मुनि अरस्तु की भांति नाटक अथवा काव्य को अनुकरणीय विधा मानते हैं। तो भरत मुनि भी मानते हैं कि जो नाटक अथवा काव्य है वह अनुकरणीय विधा है, किसी चीज का अनुकरण करते हुए, किसी चीज का नकल करते हुए नाटक अथवा काव्य की रचना की जाती है। और उन्होंने कहा है, नाना भावो संपन्नम नानावस्थात रात्कमम लोक वृत्तानुकरणम नाट्यमेतन्मया कृतम। तो यह उन्होंने संस्कृत में श्लोक एक बोला हुआ है। और दश रूपक धनंजय जो नाम के विद्वान है, आचार्य हैं, इन्होंने दश रूपक की रचना की है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात अवस्था विशेष की अनुकृति ही नाटक है। अवस्थानुकृति नाट्यम अर्थात अवस्था विशेष की अनुकृति ही नाटक है। किसी विशेष अवस्था का अनुकरण करना, किसी विशेष अवस्था का नकल करना ही नाटक है। तो इस प्रकार जो अनुकृति है अथवा अनुकरण है, या मिमेसिस है, माइमेसिस है, यह सारे एक ही शब्द हैं। तो अनुकरण सिद्धांत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको आपने भलीभांति समझ लिया होगा। और यदि आज का मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।